तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बोल क्या मुंह दिखाऊं मैं सोसाइटी में वापस जाकर इन सबको क्या मुंह दिखाऊं? क्या नहीं बाबूजी, आप मुझे मत रोकिए। सासू माँ के स्वागत के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, घर में साफ सफाई की, सोसाइटी में मिठाई बांटी, ये 1,01,000 का हार बनवाया। सुबह 5 बजे उठ के स्टेशन गए, फिर सोसाइटी में आए, फालतू में फटाके फोड़े, शाम को फिर से तैयार हुए, फिर दौड़े, फिर भागे। अरे 2 दिन से मेरे सर पे माँ 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 क्या हथौड़े पड़ रहे हैं। और ये बक्सा सुबह से मेरे शरीर का अंग बन चुका है। इतना कुछ सहन करने के बाद क्या मिला? माँ नहीं मिली, चली गई, बिना मिले चली गई। नहीं दया नहीं चलेगा, सासू माँ को वापस बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि यह सिर्फ मेरा अपमान नहीं है, यह बापूजी का भी अपमान है। चलो एक बार के लिए मैं मेरा अपमान भूल सकता हूँ, लेकिन बापूजी का अपमान मैं हरगिज भूल नहीं सकता। अरे इस उम्र में बेचारे सुबह से वेवान का स्वागत करने के लिए मारे मारे घूम रहे हैं। अरे ये टप्पू बेचारा अपने दोस्तों के साथ सुबह से नानी माँ के स्वागत में लगा हुआ है। अरे इसने तो बेचारे ने अपनी नानी माँ को ठीक से देखा तक नहीं, तो इसका भी ख्याल लिया, चली गई, चली गई। हाँ बहू, विवान को ऐसे बिना मिले बिना बताए नहीं जाना चाहिए था। तो हाँ दया भाभी, जेठा भाई का गुस्सा जायज है, माँ को हम सबको सोसाइटी में मिलने आना चाहिए था। 10 मिनट तो 10 मिनट नहीं नहीं बाबा, ये भी हो सकता है कि उनको सचमुच कोई बहुत जरूरी काम हो इसलिए अचानक चली गई वो। हाँ, हाँ। तरह तो चिट्ठी दे के जाती। चिट्ठी? उनका मौन व्रत है ना आज, तो जैसे वो सम्मान समारंभ में अपने भाषण की जो चिट्ठी बना के आई थी, वैसे हमारे लिए भी एक चिट्ठी छोड़ के जाती। वो क्यों अचानक जा रही है बिना मिले है? उसका कारण लिख के जाते कि सॉरी मुझे फला 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 कारण की वजह से आप लोगों को मिले बगैर जाना पड़ रहा है, तो मैं जा रही हूँ, बाय, ओके बाय। ऐसे चोरों की तरह जाने की क्या जरूरत थी? मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है, मैंने ऐसा क्यों किया? क्यों किया, क्या मजबूरी है, वो मुझे कुछ नहीं जानना है। माँ को बस अभी सोसाइटी में वापस आना पड़ेगा, बस। अगर नहीं आई तो एक बात कान खोल कर सुन ले दया, आज के बाद या तो तू अपनी माँ से रिश्ता रखेगी या मुझसे, दोनों में से किसी एक को चुनना होगा दया, सिर्फ किसी एक को। सजा नहीं दया, ये मेरे अपमान का इलाज है। आज के बाद ना तू माँ को फोन करेगी, ना ही उसका फोन आया तो उसको जवाब देगी। आज तक मैंने ऐसी कई बातें हैं जो मुझे दिल में चुभी है, लेकिन मैंने बड़ा दिल रख के, दिल पर पत्थर रख के सब कुछ सहन कर लिया, लेकिन अभी नहीं दया, अभी मैं जवाई का हक मांगूंगा। मुझे मेरी सास चाहिए, मुझे आज मेरी सास चाहिए, बस। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, कहाँ से लाऊं मेरी माँ को? वो मैं कुछ नहीं जानता दया, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर आज सासू माँ नहीं आई तो मेरा और सासू माँ का रिश्ता खत्म, 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 खत्म। अहमदाबाद से मेरा रिश्ता खत्म, 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 खत्म। और अगर तूने सासू माँ के साथ रिश्ता रखा तो मेरा और तेरा रिश्ता भी खत्म, 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 खत्म।
बापूजी। बहू, विवान ने किया ही ऐसा है कि मैं जेठिया से क्या कहूं। ये तूने मुझे कहां फंसा दिया? मैं पति के बगैर भी नहीं रह सकती और तुम्हारे साथ फोन पे बात किए बगैर भी नहीं रह सकती। एक तरफ ममता की इच्छाओ है तो दूसरी तरफ सुहाग का साथ है। मैं ममता की इच्छाओ के बगैर भी नहीं रह सकती और सुहाग के साथ के बगैर भी नहीं रह सकती। मैं क्या करूं? करूं क्या? मैं मझधार में फंसी है नैया, इसे कैसे पार लगाऊं? एक बाजू पति है, एक बाजू माँ है। माँ तू तो चली गई, मैं तेरे बगैर भी नहीं रह सकती और टप्पू के पापा के बगैर भी नहीं रह सकती। हे माँ जीव दया, तुम्हें तुम्हारी बेटी दया पर बिल्कुल नहीं आई दया। बहू, तू एक काम कर, सुंदर को फोन लगा और उसे कह के वेवान को समझा के सोसाइटी में ले आए, सब कुछ सुलझ जाएगा। ये ठीक है बाबूजी। टप्पू के पापा जरा फोन देंगे। लगा दिया है फोन। हाँ बोलिए जीजा जी। जीजा जी नहीं, मैं बोल रही हूँ वीरा। क्या हुआ बेना, तुम रो रही हो? तुम्हारी बहन बीच समंदर में फंस गई है। क्या? लेकिन अभी तो तुम लोग हॉल में थे, समंदर में कब चले गए? अरे मेरे भोले वीरा, तुम जरा बात को समझो। माँ टप्पू के पापा को मिले बगैर चली गई और हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में भी नहीं आई है, इसलिए टप्पू के पापा बहुत गुस्सा हो गए हैं। अरे लेकिन माँ को अर्जेंट काम होगा तो वो चली गई होगी, और मैं तो यहाँ अहमदाबाद में मेरे दोस्त की माँ की तबीयत देखने के लिए आया हूँ। वो मैं नहीं जानती वीरा, मेरे संसार में आग लगी है, उसे बुझाने के लिए माँ को आना ही होगा। लेकिन वीरा, तुम्हारे जीजा जी ने कहा कि तुम्हारी माँ अभी के अभी वापस नहीं आई तो हमारा पति पत्नी का रिश्ता खत्म। क्या? हाँ वीरा, इस रिश्ते के तराजू के एक पलड़े में माँ की ममता है और दूसरी तरफ पति का प्रेम है। अब किसी एक तरफ में तराजू को कैसे झुका सकती हूँ वीरा? बोलो बोलो वीरा। बहना ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। वैसे टप्पू के पापा का गुस्सा भी सही है, माँ मिले बगैर चली जाएगी तो कैसे चलेगा? माँ को किसी भी तरह वापस लाना ही पड़ेगा वीरा। लेकिन माँ तो समाज सेविका है, वो कहीं रुकती थोड़ी ना है, वो तो विमान में बैठ भी गई होगी। तो वीरा विमान को वापस घुमाओ। वीरा मैं अभी मायके में नहीं ससुराल में हूँ और मुझे मेरे ससुराल की भी इज्जत प्यारी है। वीरा हमारे गड़ा खानदान पर बहुत बड़ा धब्बा लगे उसके पहले माँ को लेकर आ जाओ। माँ नहीं आई ना तो सीता मैया को जैसे अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी ना, ठीक वैसे मुझे भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। वीरा कुछ भी हो जाए माँ को लेकर आओ। मैं कोशिश करके देखता हूँ। ठीक है, कोशिश करो। कोशिश? कोशिश नहीं। नहीं नहीं नहीं, कोई कोशिश नहीं वीरा, तुम्हें माँ को लेकर आना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। वीरा ये तेरी बहन की पुकार है। ठीक है, तू मेरी बात ध्यान से सुन। देख सुंदर, साफ साफ कह देता हूँ, आज अगर सासू माँ के कदम हमारी सोसाइटी में नहीं पड़े तो हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। अरे जीजा जी ऐसी जिद मत करो, और माँ तो नदी जैसी है, वो एक जगह नहीं रुक सकती, और माँ को मैं लेके भी आया तो भी क्या फायदा? और आज तो माँ का मौन व्रत है, आप मेरी बात मानिए, मैं किसी और दिन माँ को लेके आ जाऊंगा। नहीं भाई नहीं, किसी और दिन नहीं, मुझे सासू माँ को आज के दिन ही मिलना है, आज के दिन ही। लेकिन 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 कुछ नहीं भाई, मुझे सासू माँ से बात ही नहीं करनी है, भले वो बात ना करे, मुझे सिर्फ उनका दर्शन करने हैं। अभी जीजा जी आप बात को समझो, कोई माँ का फोटो खींचे उससे भी माँ को बहुत नफरत है, इसलिए वो लोगों के बीच नहीं आती है। मैं बयानदारी देता हूँ भाई, उनकी कोई फोटो नहीं खींचेगा, बस आज के दिन
उनके पावन कदम सोसाइटी में पड़ने चाहिए बस। ठीक है, मैं भेजता हूँ माँ को आपकी सोसाइटी में। आप जरा बहना को फोन देना। तो बहना को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उसको मैं सब कह दूंगा। तू सासू माँ को सोसाइटी में भेज रहा है कि नहीं? ठीक है, भेजता हूँ माँ को। पक्का? हाँ पक्का। ठीक है। हेलो, जरा माँ को फोन देना। तो क्या हुआ, क्या कहा सुंदर ने? क्या कहा सुंदर ने? कहा कि वो सासू माँ को सोसाइटी में भेज रहा है। अरे चलो, बहुत चलो चलो, जल्दी सोसाइटी में चलते। चलो चलो, आप सब लोग गाड़ी में बैठो, मैं जरा भीड़िया को फोन करके आता हूँ। जरा चलो चलो, बहुत बढ़िया हो गया भाई, सारा टेंशन दूर हो गया। वरना आज जेठा कहाँ तक पहुँचे? भिड़े, अभी हम लोग हॉल से निकल रहे हैं। हाँ, वो लोग वहाँ से निकल गए। सासू माँ हमारे साथ नहीं आ रही है। माँ नहीं आ रही है? कहते माँ नहीं आ रही मतलब? वो जरा अलग से आ रही है। वो मैं सब तुझे वहाँ के समझाता हूँ, तू अभी जरा स्वागत की तैयारी करना भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ओके 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 ओके। नहीं आ रही, आ रही माँ, आ रही है। अरे भाई डरा दिया, हाँ टेंशन दे दिया भाई तुमने। आज मैं भी अपनी सास का जबरदस्त स्वागत करूंगा, उन्हें पता तो चले कि क्या जमाई मिला है। आज सासू माँ का मौन व्रत है, लेकिन मैं उनका यह मौन व्रत तोड़वा के रहूंगा और उनके तेजस्वी मुख के दर्शन भी सबको करवा के रहूंगा। आइए सासू माँ, उतारिए। एक बात तो माननी पड़ेगी यार, दया भाभी जी की माता जी के स्वागत के लिए और तूने सोसाइटी एकदम शानदार सजाई है। हाँ भैया, अबे भिड़ा ने इस बार कोई कंजूसी नहीं किया। हाँ बिल्कुल, पोपटलाल फुल तैयारी की है, बैंड वालों को वापस बुला लिया है। और वैसे भी आज अभी इस वक्त मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी नहीं हूँ, जेठालाल का पड़ोसी पहले हूँ। वाह वाह भिड़े, वाह वाह। और वैसे भी दया भाभी की माताजी का हमें बेसब्री से इंतजार है भाई। अब तक क्यों नहीं आई माँ? कहीं विचार बदल तो नहीं गया? अगर विचार बदल गया तो माँ आएगी, जरूर आएगी, माँ ने वचन दिया है तो वो जरूर निभाएगी। हाँ, हमारे घर में रघुकुल जैसा है, प्राण जाए पर वचन न जाए, माँ जरूर आएगी। चलिए चलिए, आप जल्दी से हाथ में हार लेकर खड़े रहिए। अरे भाई हार तैयारी है, मैं भी तैयारी हूँ, माँ आए तो सही। वैसे जेठा जी, आई मस्ट से आप एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हो। वर्ल्ड रिकॉर्ड? हाँ, दुनिया के आप वो पहले दामाद होंगे जो अपनी सासू माँ का स्वागत इतने महंगे हार के साथ कर रहे हैं। थैंक यू बबीता जी, लेकिन वो कहते हैं ना कि रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए, तो मुझे पूरा यकीन है कि जब आपकी मम्मी आएंगी तो अय्यर भाई 11 लाख रुपए का हार उनको पहना के ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जरूर तोड़ेंगे। नहीं अय्यर भाई? जेठालाल, बबीता की मम्मी का बात छोड़ो, दया भाभी का मम्मी आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो बताओ। हाँ अय्यर भाई आएगा, मेरा मम्मी जरूर आएगा, मतलब मेरी मम्मी जरूर आएगी, माँ जरूर आएगी। सेठ जी, आई मस्ट से ये वंस इन ए लाइफ टाइम मोमेंट बनेगा जब आप आपकी सासू माँ को 1,01,000 का हार पहनाएंगे। थैंक यू सेठ जी, ये ऐतिहासिक मोमेंट विटनेस करने के लिए आपने हमें यहाँ आने की परमिशन दी। देख देख बागा नटू काका सब कितने उत्साह में है सासू माँ को मिलने के लिए। बबीता जी, अय्यर भाई, हाथी भाई, सब लोग काम धंधा छोड़ कर धंधे पे लग गए, मतलब इंतजार कर रहे हैं सासू माँ को मिलने के लिए। आज अगर सासू माँ नहीं आई ना तो माँ आएगी, जरूर आएगी माँ। माँ कहाँ हो तुम,
जल्दी आ जाओ, सब लोग आशा लगाए बैठे हैं। दया भाभी, आप क्या सोच रही हो? एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है? नहीं 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 अजय भाभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही सोच रही थी कि आप सब लोग कितने अच्छे हैं, हमारे लिए सुबह से इतनी तकलीफ उठा रहे हैं। प्रॉब्लम सु, हम सबको तो लग रहा है जैसे सिर्फ आपकी माँ नहीं, हमारी भी माँ आ रही है। आ गई गाड़ी, आ गई माता श्री की गाड़ी, आ गई गाड़ी, आ गई। अरे आ गए, आ गए, आ गए, आ गए। माँ आ गई, माँ आ गई। अरे बजा बजा। अंततः जीवदया बाग के कदम गोकुलधाम सोसाइटी में पड़ गए। जैसे उन्हें अहमदाबाद ले जाने वाला प्लेन यू टर्न मार के गोकुलधाम में आ गया, स्थिति वैसी है। लेकिन कुल मिला के उनके कदम गोकुलधाम में पड़ चुके हैं और एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से टल गई है। जेठालाल और दया भाभी के रिश्ते में दरार पड़ते पड़ते रह गई। सुंदर ने राखी का फर्ज निभाया है और आखिरकार जेठालाल की जिद के आगे जीव दया बा को झुकना ही पड़ा। देखना यह है कि गोकुलधाम निवासी किस तरह उन्हें देख के पागल होते हैं। जीव दया बा का मौन व्रत है। देखना यह भी कि क्या वो अपनी मीठी बोली में दया भाभी को आवाज देती है या अपने दामाद जेठालाल का कोई नया नाम रखती है। भाई हंसते हंसते देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हर सवाल का जवाब मिलेगा ठहाकों के साथ। देखते रहिए, हंसते रहिए। और हाँ दोस्तों, एक विशेष बात और। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान में तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम को नॉमिनेट किया और हमने बेहद विनम्रता के साथ इस नॉमिनेशन को स्वीकार किया। और अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम और इसके निर्माता असित कुमार मोदी, हम सब की ओर से मैं आप सभी को स्वच्छ भारत अभियान के लिए नॉमिनेट करता हूं। आप सब लोग स्वच्छ भारत अभियान में एक महती भूमिका निभा सकते हैं और ये भूमिका निभाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक बड़ी छोटी सी चीज करनी है। आपको हिस्सा लेना है TMKOC माई क्लीन इंडिया कंटेस्ट में। और इसमें हिस्सा लेने के लिए अपना घर, अपना मोहल्ला, अपनी सोसाइटी, अपने आसपास की जगहों को साफ रखिए, उनकी फोटो खींचिए और हमारी वेबसाइट www.tmkocmyclean.com पे अपलोड कीजिए। हमारी इस वेबसाइट का जिक्र माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के द्वारा किया है। हम बड़े कृतज्ञ हैं उनके इस वेबसाइट का जिक्र करने के लिए। तो आप देरी मत कीजिए, स्वच्छ भारत अभियान के हिस्से बनिए और आपको मिलेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कलाकारों से मिलने का मौका और हो सकता है आपको गोकुलधाम सोसाइटी में आने का मौका भी मिले। करना कुछ नहीं है, अपने आसपास की जगहों को साफ रखिए, फोटो खींचिए और www.tmkocmyclean.com पे अपलोड कर लीजिए। फिर देखिए आप भी बन जाएंगे स्वच्छ भारत अभियान के राजदूत, स्वच्छ भारत अभियान के एक महत्वपूर्ण हिस्से। और यहाँ इस वक्त देखना यह है कि दया भाभी की माँ का स्वागत किस तरह से होता है। आप भी उनके स्वागत के लिए तैयार रहिए और कीजिए हमारे साथ उनका स्वागत हंसते हंसते। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।